2024 के लिए हरियाणा बीजेपी का मेगा प्लान, अगले दो हफ्तों में सभी लोकसभा क्षेत्रों में बड़ी रैली, 18 जून को सिरसा में दहाड़ेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 20 जून को सोनीपत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की रैली है, 24 जून को पानीपत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जनसभा है, 29 जून को अंबाला में रैली करेंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंबाला में रैली करने वाले हैं, 30 जून को हिसार में जनसभा करेंगे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, रोहतक कुरुक्षेत्र में अभी रैली का कार्यक्रम फाइनल होना बाकी है। तो देखिए, हरियाणा बीजेपी का मेगा प्लान है और 2024 चुनाव को लेकर ये मेगा प्लान है। 18 जून को सिरसा में अमित शाह की रैली होनी है, तो देखिए क्या है मेगा प्लान, इसकी जानकारी दे रहे हैं। 18 जून सिरसा में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, और देखिए, और 19 जून को भिवानी महेंद्रगढ़, और 20 जून को सोनीपत में नितिन गडकरी यानी कि केंद्रीय मंत्री होंगे, 24 को पानीपत में और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री होंगे, और 25 जून को लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद में मनोहर लाल सीएम, और बीजेपी का मेगा प्लान क्या है 2024 को लेकर, इसकी जानकारी यहां पर दे रहे हैं। तो अंबाला में राजनाथ सिंह होंगे और कुरुक्षेत्र और रोहतक में रैली का कार्यक्रम अभी फाइनल होना बाकी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरसा में होंगे 18 जून को, और रैली का कार्यक्रम है विप्लव देव और ओपी धनखड़। मेरे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जतिन, 2024 के लिए हरियाणा बीजेपी का क्या मेगा प्लान है, क्या है जानकारी? बिल्कुल साधना, 2024 के लिए जो है बीजेपी ने एक तरीके से अपना मेगा प्लान तैयार कर लिया है, और ये कहें तो गलत नहीं होगा कि केंद्रीय मंत्रियों के हाथ में फिलहाल बीजेपी की जीत का जिम्मा हरियाणा में दे दिया गया है। दरअसल सियासी पारा अब बढ़ रहा है, और एक तरफ बीजेपी का फोकस हरियाणा के जीटी रोड बेल्ट पर लगा हुआ है, और कांग्रेस भी उन्हें टक्कर देने की तैयारी कर रही है। और जीटी रोड बेल्ट पर आने वाले कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, अंबाला में ये अगले 14 दिनों के अंदर लगभग सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी रैली करने वाली है। 18 जून को इसकी शुरुआत सिरसा लोकसभा क्षेत्र से हो रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, वहां पर रैली करेंगे। इसके अलावा 19 जून को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में चरखी दादरी में बिप्लव देव, जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, वो रैली करेंगे। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी ओपी धनखड़ वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 20 जून को सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में, सोनीपत में ही रैली करने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही 24 जून को करनाल में, पानीपत में रैली होगी, लोकसभा क्षेत्र करनाल होगा, यहाँ पर करनाल लोकसभा क्षेत्र के लोगों को साधने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचेंगे। इसके अलावा 25 जून को सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद में रैली कर रहे हैं, तो वहीं 25 जून को गुरुग्राम में ही जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है विप्लव देव, वो भी रैली करने वाले हैं। इसके अलावा अंबाला में 29 जून को केंद्रीय मंत्री राजनाथ पहुंच रहे हैं, और 30 जून को हिसार लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान पहुंचेंगे। तो वहीं इसके अलावा कुरुक्षेत्र और रोहतक लोकसभा में अभी तक जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है ओपी धनखड़, उनकी तरफ से बताया गया है कि रैली स्थल लगभग फाइनल है, रोहतक और कुरुक्षेत्र में रैली होनी है, लेकिन कौन यहाँ पर पहुंचेंगे और तारीख कितनी होगी, अभी तक इस पर कोई कार्यक्रम फाइनल नहीं हो पाया है। वो बड़े नेताओं से समय लेने की कोशिश कर रहे हैं। चले जाते हैं, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब तमाम जो नेता हैं, इन्होंने या फिर यूं कहें कि केंद्रीय मंत्रियों ने 2024 का जो मोर्चा है वो संभाल लिया है, और 18 जून को जिस तरह से सिरसा में अमित शाह दहाड़ने वाले हैं, तो देखिए रैली का जो कार्यक्रम है वो काफी ज्यादा खास है, और रोहतक कुरुक्षेत्र में अभी रैली का जो कार्यक्रम है वो फाइनल होना अभी बाकी है।